निवृत्त एएसआई से पीआई पद के लिए पुलिस कर्मचारियों को भी पुलिस बाल्य प्रमाण पत्र दिया जाए, इस मांग के साथ पुलिस बॉयज जन आधार संगठन द्वारा संस्थापन अध्यक्ष राकेश करंडे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा गया। इस समय बड़ी मात्रा में संगठन के पदाधिकारी रामगिरी पर मौजूद थे। कांस्टेबल से एएसआई तक श्रेणी के सेवानिवृत्त पुलिस कर्मचारियों को पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में पुलिस बाल्य प्रमाण पत्र द्वारा 5% आरक्षण का प्रावधान है, जिसके चलते पुलिस कर्मियों के बच्चों को इसका लाभ मिलता है। लेकिन वहीं एएसआई से पीआई पद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चे को बाल्य प्रमाण पत्र न मिलने के कारण वह इस लाभ से वंचित रहते हैं, जिसके चलते पुलिस बॉयज जन आधार संगठन द्वारा संस्थापक अध्यक्ष राकेश करंडे के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन सौंपा गया, जहाँ संगठन द्वारा मांग की गई है कि एएसआई से पीआई पद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बच्चों को बाल्य प्रमाण पत्र दिया जाए, ताकि उन्हें भी उनके सपने पूर्ण करने में उनके पिता के कार्यों की सहायता मिले। नमस्कार, मी राकेश करंडे, संस्थापक अध्यक्ष पुलिस बॉयज जन आधार संघटना महाराष्ट्र राज्य। आज आम्ही उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांना निवेदन देण्याकरिता आलो होतो। आमचे निवेदन असे होते, महाराष्ट्र पुलिसांना मुलांना जो पुलिस प्रमाणपत्र मिळतो तो प्रमाणपत्र कॉन्स्टेबल टू एएसआय यांच्याच पुलिस पाल्यांना पुलिस पाल्य प्रमाणपत्र मिळतो। आमची मागणी शासनाला हे होती की एएसआय टू पीआय यांच्या पण मुलांना पुलिस पाल्य प्रमाणपत्र मिळण्यात यावे, जेणेकरून पुलिस भरतीमध्ये पुलिस पाल्यांना पुलिस भरतीचा फायदा होईल, भविष्यामध्ये पुलिस भरतीमध्ये पुलिसाचेच मुलं लागेल। तर देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांनी आम्हाला आश्वासन दिले की येणाऱ्या पुलिस भरतीमध्ये एएसआय टू पीआय यांच्या पण मुलांना पुलिस पाल्य प्रमाणपत्र मिळण्याचे प्रयत्न करू। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट।